ओके गाइस, सो कैसे हैं आप सब। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Realme 11 Pro Plus के बारे में, जिस फोन के लाइव फोटोज जो है वो निकल के सामने आ चुके हैं और इस फोन की स्पेसिफिकेशंस भी एस्पेक्ट हो चुकी हैं। और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि ये फोन कब लॉन्च किया जाएगा, कितनी प्राइस के साथ आएगा और क्या फीचर्स लेकर आ रहा है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। आज हम Realme 11 Pro Plus के बारे में आपके तमाम डाउट क्लियर करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखने का मजा आपको काफी आएगा। साथ में वीडियो को आपने लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। खैर, बात करते हैं आप दोस्तों Realme 11 Pro Plus के हवाले से। इस फोन के अंदर जो स्क्रीन का साइज, या इससे पहले अगर डिजाइनिंग की बात की जाए, लुक की बात की जाए, तो काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिली है, जो कि कोई भी डाउट नहीं है कि यार हमें कम नहीं देखने को मिली है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो Realme अपने दूसरे स्मार्टफोन्स के अंदर, पहले मॉडल्स के अंदर भी काफी अच्छी लुक और डिजाइनिंग देता है, खासतौर पर कलर्स के अंदर भी काफी जो है वो हमें चेंजिंग देखने को मिलती है। और अगर देखा जाए तो यहां पर Realme 11 Pro Plus के अंदर आपको एक खास चीज ये देखने को मिली है कि जो कैमरे का मॉड्यूल है वो काफी बड़ा देखने को मिला है, जिससे हमारी जो लुक बन जाती है। और साथ में दोस्तों, देखने वाला बंदा एक बार ये कहता है कि यार कमाल फोन है, और इस फोन का कैमरा देखो कितना बड़ा देखने को मिला है। तो इस हिसाब से हमारी जो है वो कुछ अलग फीलिंग बन जाती है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें Realme 11 Pro Plus के अंदर खास देखने को मिली है, जो शायद आपको अभी तक नहीं पता है, जो आज की इस वीडियो के अंदर हम जरूर जानेंगे। बात करते हैं अब इस फोन के स्क्रीन के साइज के हवाले से। दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको 6.7 इंच का स्क्रीन का साइज है, फुल एचडी के रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ा स्क्रीन का साइज देखने को मिला। अब यहां पर कोबरा डिस्प्ले होगा, जो कि बहुत ही अच्छी लुक आपको देखा। अब यहां पर मैं आपको कहूंगा कि जो नॉर्मली पैनल होते हैं या डिस्प्ले होते हैं, और वहां पर दोस्तों आपको इतनी खास वैल्यू नहीं देखने को मिलती। अगर दोस्तों आप कोबरा डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन यूज करें तो आपको पता चलेगा कि कितनी अलग फीलिंग बन जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जो हमें कोबरा डिस्प्ले के देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर जो पैनल है वो एमोलेड पैनल देखने को मिला है, और साथ में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिला है। तो भाई, यहां पर मैं आपको कहूंगा कि अगर कैमरे वाइज इस फोन को लेना चाह रहे हो, अगर आप गेमिंग अच्छी करना चाह रहे हो या कुछ खास करना चाह रहे हो इस फोन के लिए, तो मैं आपको कहूंगा कि इस फोन की जानब आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फोन के प्राइस के हवाले से थोड़ा सा डाउट है कि यार हम प्राइस देख लें उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि यार हमें इस फोन को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उस चीज के बारे में भी जान लेंगे। सबसे पहले इस फोन की परफॉर्मेंस वाइज के बारे में बात करें या इससे रिफ्रेश रेट देखा जाए, तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि काफी हाई का देखने को मिला। पैनल, स्क्रीन का साइज, ये सारे पॉइंट्स हमें काफी हाई देखने को मिले हैं। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज के वाले से बात करें तो इस फोन की परफॉर्मेंस किलर है, सीरियसली किलर है। क्यों? क्योंकि इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, और साथ में जो चिपसेट है वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7000 का देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपकी गेमिंग काफी पावरफुल होगी और काफी हाई की होगी, जिस तरह पबजी वगैरह, फ्री फायर वगैरह, इस तरह की गेम्स को आप इजीली खेल सकते हैं, जो कि बहुत कम डिवाइसेस के अंदर इस तरह का चिपसेट या इस तरह की गेमिंग हम खेल सकते हैं। लेकिन आपको कहूंगा कि अगर आप इस फोन से एक हाई लेवल की गेमिंग करना चाह रहे हो तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं देखने को मिलेगा। और साथ में अगर वेरिएंट की बात करें, 16 GB रैम होगा, 1 TB तक इसकी स्टोरेज देखने को मिलेगी। और साथ में दोस्तों, इस फोन के अंदर कैमरे वाइज की बात की जाए तो बैक साइड पर आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा, और इस फोन का जो मेन सेंसर होने वाला है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। मतलब यहां पर 200 MP का इसका मेन सेंसर है, सेकंड कैमरा 8 MP का, लास्ट आपको 2 MP का। और इस फोन की सेल्फी की बात करें तो वो आपको 32 MP की देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक एस्पेक्ट नहीं हुआ कि 32-16 इन दोनों में से एक देखने को मिलेगी, या तो 16 MP की होगी या तो 32 MP की है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस हो रही है कि यार हमें 32 MP की ही सेल्फी देखने को मिलेगी। बात करते हैं अब इस फोन के खास फीचर की, मतलब यहां पर बैटरी की बात करें तो वो आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ी सी कम देखने को मिली। यहां पर हमें 5000 mAh की होती तो काफी अच्छा रहना था, लेकिन खैर यहां पर जो भी Realme ने किया, लेकिन 4500 mAh के साथ हमें जो फास्ट चार्जिंग देखने को मिली है वो 100W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिली है। तो यहां पर हमारी बैटरी काफी जल्द चार्ज भी होगी और काफी जल्द हमारी लो भी होगी, क्योंकि बैटरी काफी कम देखने को मिली। अगर बैटरी ज्यादा होती, फास्ट चार्जिंग थोड़ी सी कम होती, तो चार्जिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता था, लेकिन जब हम यूज करते हो स्मार्टफोन को, कम हो जाए बैटरी तो वहां पर हमें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन बैटरी हर स्मार्टफोन के अंदर अब 5000 या 5500 mAh की होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारा काफी टाइम गुजर जाता है। लेकिन 4500 mAh भी इतनी कम नहीं है जितनी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा आप इसके अंदर गुजारा कर सकते हैं, कोई भी आपको मसला नहीं आएगा। लेकिन आपकी जो फास्ट चार्जिंग दी गई है, ये बहुत जल्द अपने फोन को जो है वो चार्ज कर सकती है, जो कि आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अच्छा, यहां पर हम बात करेंगे कि ये फोन कब लॉन्च किया जा रहा है। तो भाई देखो भाई, इस फोन का सिर्फ 1 मंथ के अंदर सारा कुछ आ जाएगा, मतलब
मतलब ये फोन इंडियन मार्केट के अंदर एक मंथ के अंदर जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा, उसके बाद ये फोन पाकिस्तान में भी आ जाएगा। प्राइस के बारे में अभी कोई भी नहीं बता सकता कितनी प्राइस होगी, क्या चीजें होगी, क्योंकि अभी रियलमी ने ऑफिशियल आपको नहीं बताया कि इस फोन की हम कितनी प्राइस रखने जा रहे हैं, लेकिन रियलमी बहुत जल्दी ये चीज अनाउंस कर देगा कि हम इस फोन की इतनी प्राइस रखने वाले, और मैं आपको बहुत जल्दी इस चीज के बारे में कंफर्मेशन कर दूंगा कि भाई इस फोन की प्राइस इतनी निकल गया। ये कमेंट सेक्शन में बता दूंगा या हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। खैर, आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।